एक्सरे, इस टाइप की इमेजेस आपने हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के पास देखी होंगी, ये ह्यूमन हैंड का बोन स्ट्रक्चर है। तो ऐसी इमेजेस ह्यूमन बॉडी की निकाली जाती है बाय यूज ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे क्या चीज है उसके बारे में कुछ डिटेल बातें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी बात हम और भी बहुत सारे चैप्टर्स में कर चुके हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कई तरीके की होती हैं, जैसे देखें आप रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और गामा रेज। क्या अंतर होता है इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में? इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और वेवलेंथ अलग होता है। जैसे रेडियो वेव है उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, गामा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, गामा की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और रेडियो की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, C इक्वल्स टू म्यू इंटू लेमडा। ये म्यू रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्वियसली लेमडा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट बात ये देखें इस फॉर्मूले में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। ये C जो है वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज अ कॉन्स्टेंट। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। आप देख भी सकते हैं गामा की फ्रीक्वेंसी हाई है और वेवलेंथ क्या है? कम। रेडियो की फ्रीक्वेंसी लो है और वेवलेंथ क्या है? हाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सरेज, तो जैसा मैं आपको पहले स्लाइड में बताया कि एक्सरे मेडिकल पर्पज में यूज होता है, तो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक्सरेज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे एक्सरेज को बनाया जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंटली। जैसे देखिए ये एक बल्ब है जिससे विजिबल लाइट निकलती है, विजिबल लाइट। तो हम बोल सकते हैं बल्ब वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एपरेटस है जिससे विजिबल लाइट प्रोड्यूस की जाती है, सही है ना? ये टीवी का रिमोट देखें, ये कैसे काम करता है? जब इसमें कोई बटन दबाते हो तो इससे यहां से इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। देखिए इंफ्रारेड, तो जब बटन दबाते हो तो इससे इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ये टीवी तक पहुंचती है और तब टीवी को पता चलता है कि अच्छा भाई आपने चैनल चेंज करने के लिए बटन दबाया है। तो ये जो टीवी रिमोट है इसके अंदर एक छोटा सा एपरेटस होता है, और ये जो एपरेटस है वो एक ऐसा एपरेटस है जो इंफ्रारेड को बनाता है। अब समझ रहे हैं? तो जिस तरह से बल्ब इज एपरेटस टू मेक विजिबल लाइट, टीवी रिमोट के अंदर एपरेटस होता है इंफ्रारेड को बनाने के लिए, वैसे ही हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसका नाम है कूलिज ट्यूब। कूलिज ट्यूब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सरे प्रोड्यूस करता है। इसका नाम कूलिज ट्यूब इसलिए है क्योंकि कूलिज एक साइंटिस्ट था जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को पहली बार बनाया था। सो आप देख सकते हैं ये कूलिज ट्यूब है, कुछ देखने में ऐसा लगता है। तो इस चैप्टर में प्राइमरली यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है और कैसे काम करता है। थर्मियोनिक इमिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फेनोमेना, लेट्स सी व्हाट इट इज। ये एक मेटल प्लेट है हमारे पास, इस पे फोटॉन्स आ रहे हैं। तो अब यहां पे क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस फिनोमिना को हम फोटो इमिशन बोलते हैं। तो यहां पे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो क्यों निकलते हैं, लॉजिक हमने देखा ही है पहले के चैप्टर्स में। ये फोटॉन्स जो आता है वो अपने साथ एनर्जी लाता है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है,
और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है तो वो बाहर निकल जाता है। आप सोचें कि अगर आपको मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या यही एक तरीका है या और भी कोई तरीका हो सकता है? तो आप देखें, इलेक्ट्रॉन इसलिए बाहर निकला है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत बढ़ गई। यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने फोटोन की हेल्प से बढ़ाई है। अगर इसकी एनर्जी को हम किसी और तरीके से भी बढ़ा दें तो भी वो बाहर निकल जाएगा। तो इस मेटल प्लेट को अगर हम हीट करें तो क्या होगा? अब इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जिनसे इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर इनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है तो ये बाहर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने का। यहां पे हमने हीट एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जिनसे उनकी एनर्जी बढ़ी, और जब इनकी एनर्जी बहुत बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो ये जो फेनोमेना है दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सप्लाइंग थर्मल एनर्जी, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सप्लाइंग थर्मल एनर्जी। तो ये जो है वो कूलिज ट्यूब का स्ट्रक्चर है। थोड़ा इसको ध्यान से समझिए आप, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहां पे एक बैटरी है जो एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है। इस रेजिस्टर को हम बोलते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर एक ऐसे कवर लगा हुआ है, कवर जिसमें बीच में होल है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इस बैटरी के कारण इसमें करंट फ्लो करेगा। जब इस रेजिस्टर में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, और ये जब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, थर्मियोनिक इमिशन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये कवर इसलिए लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली इस डायरेक्शन में निकले। अगर ये कवर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी रैंडमली मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में निकलेंगे। तो इस कवर के होने से बस इसी होल से सिस्टमैटिकली इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब इस फिलामेंट को इलेक्ट्रॉन गन भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गर्म होता रहता है बैटरी के करंट के कारण, जिसे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें, ये एक मेटालिक सब्सटेंस होता है जिसको टारगेट बोला जाता है, जो कि जनरली मॉलिब्डेनम या टंगस्टन का बना होता है। इसमें ऐसे एक ट्यूब आती है और फिर चली जाती है, इस ट्यूब से ठंडा पानी आता है। क्यों? क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो टारगेट है, ये बहुत गर्म हो जाता है जब ये डिवाइस काम करता है, तब तो ये बहुत गर्म हो जाता है तो इसके मेल्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको ठंडा करना जरूरी होता है, इसलिए हम ऐसा सेटअप बनाते हैं। यहां पे एक और बैटरी है जो कि इन दो प्लेट्स के बीच में कनेक्टेड होती है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसी कारण इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगता है, तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ जाता है और बहुत स्पीड में जाके इस टारगेट को टकराता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में जाके इस टारगेट को टकराता है तो ये उसके अंदर चला जाता है। फिर इसके अंदर जाने के बाद कुछ फेनोमेनाज होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके कारण यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि मेनली क्या होती है, एक्सरेज। अब आप सोच रहे होंगे अंदर ऐसा क्या फेनोमेना होता है इलेक्ट्रॉन के जाने से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने लगती है, तो यही मेन चीज है जो हम इस चैप्टर में अभी आगे देखेंगे। ये जो बैटरी है इसको वी नॉट बोल देते हैं, और ये जो बैटरी है इसको वी एफ बोल देते हैं। एफ स्टैंड फॉर फिलामेंट, हालांकि आप कोई और नाम भी रख सकते थे, उसमें नाम में क्या रखा है। अब देखें यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है तो जिस टाइम वो निकल रहा होता है उस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है निकलते टाइम वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। वेलोसिटी इनकी अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, मतलब हम इनकी काइनेटिक एनर्जी भी अप्रोक्सीमेटली कितनी बोलेंगे, जीरो। तो आप ऐसा सोच रहे हो क्यों हम जीरो ले रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा भी, ये हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको समझ में ना आया तो आप टेंशन ना ले, बिकॉज दिस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस स्लाइड पे आए,
तो फोटो इमिशन में देखो क्या होता है कि फोटो इमिशन में बहुत सारे फोटोन्स आते हैं, हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है, सही है वो भी। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलता है जब ये एच न्यू जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, ठीक है। अब ये फोटोन्स आए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन फोटोन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व। जैसे ही ये फोटोन को एब्जॉर्व करता है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एच न्यू से अचानक से बढ़ जाती है। जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्व करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अचानक से बढ़ जाती है एच न्यू से। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो वर्क फंक्शन अमाउंट की एनर्जी तो ये बाहर निकलने में खर्च कर देता है, फिर भी कुछ एनर्जी इसके पास बच जाती है। तो जो एनर्जी बच गई है दैट इज एच न्यू माइनस फाइव, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो फोटो एमिशन में इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। थर्मियोनिक एमिशन में आप देखिए क्या होता है, जब हम हीट करते हैं तो हम कंटिन्यूअस फैशन में हीट सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे 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 करके बढ़ती है, जैसे जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करता है वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, कंटिन्यूस वे में धीरे धीरे बढ़ रही है। यहां पे क्या हुआ था, अचानक से एनर्जी बढ़ गई थी, इसमें धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन को थोड़ा सा भी क्रॉस करती है, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसकी सारी एनर्जी बाहर निकलने में खर्च हो जाती है, जिसके कारण बाहर निकलने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके, आप टेंशन ना लें, बार बार इसको सुने, और ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले विथ ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, यहां, तब आप मुझे बताएं जब वो यहां पहुंचेंगे तब उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इट्स वेरी सिंपल। आप देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, तो पोटेंशियल वी नॉट अमाउंट से चेंज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो पोटेंशियल वी नॉट अमाउंट से चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही होगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी वी इंटू वी नॉट इंटू ई। तो यहां से आने में अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज हो रही है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज इतना ही होगा। तो क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, इसका मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वी नॉट इंटू ई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इस टारगेट को हिट करता है विद दिस मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ द मेन थिंग, जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो अंदर क्या होता होगा जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर आती हैं, यही हम समझेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है टारगेट के, तो अंदर दो तरीके की घटना या दुर्घटना होती है, दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, उन दोनों प्रोसेसेस को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रोसेस वन। तो प्रोसेस वन में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब अंदर आता है तो अंदर आने पे क्या होगा, यहां पे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आके उन सब से कोलिजन करता है, कोलिजन। और जब ये उन सब से कोलिजन करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। देखिए आप, ये बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ अंदर आता है, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, लेकिन अंदर जाके ये जब कोलिजन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब देखो, दुनिया में एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है तो वो एनर्जी कहां जाती है, उस एनर्जी से हीट बन जाती है। तो उस एनर्जी से हीट बन जाती है तो ये मेटल जो है वो गर्म हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे वो कूलिंग सिस्टम, कोल्ड वाटर वाला हमने क्यों लगाया था, क्योंकि ये गर्म हो जाता है। अब यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ था उसका कुछ पार्ट ही हीट बनता है और कुछ पार्ट से फोटोन बन जाता है जो कि यहां से निकल जाता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे निकली। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ अंदर जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो अंदर कोलिजन करते हैं। जब कोलिजन होता है अंदर तो इन इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्या, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है या फोटोन में। अगर वो फोटोन में कन्वर्ट होती है तो इसका मतलब है फोटोन बनेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलेंगी, ऐसा कुछ हो रहा होता है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो कई तरीके से हो सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ और पहला ही कोलिजन इतना सॉलिड हुआ कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया, पहले कोलिजन में थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, फिर दूसरे कोलिजन में थोड़ी और काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, तीसरे में थोड़ी और काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, और ऐसे करते करते 10 कोलिजन लग गए जब तक पूरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो कई तरीके से काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि किसी भी एक कोलिजन में, किसी भी एक कोलिजन की हम बात करें तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। वो काइनेटिक एनर्जी हीट ही बन सकती है और फोटोन बन सकती है। तो वो कितनी हीट बनेगी और कितना फोटोन बनेगा, कितनी एनर्जी का फोटोन बनेगा, ये बताना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोलिजन हुआ, उसे काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, और जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई वो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो गई, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ने एक फोटोन बना दिया, पूरी काइनेटिक एनर्जी ने एक फोटोन बना दिया, कोई भी हीट नहीं बनी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ उसमें से थोड़ी एनर्जी हीट बन गई और बाकी थोड़ी एनर्जी से फोटोन बन गया। तो कुछ भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। तो आप देखें, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जब इलेक्ट्रॉन अंदर आके कोलिजन करेगा तो किसी भी कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू ई वी नॉट एंड ग्रेटर देन जीरो। सही है, ये तो मैक्सिमम एनर्जी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन आया था, इससे ज्यादा एनर्जी तो लॉस हो ही नहीं सकती है। तो जो एनर्जी लॉस हो सकती है वो जीरो और इसके बीच में होगी। ठीक है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी बिटवीन दीज टू नंबर्स, कि यहां से जो फोटोन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी भी इन दोनों नंबर्स के ही बीच में होगी। सही है, फोटोन की एनर्जी इतनी कब होगी, इतनी कब होगी, तो वो तब होगा जब एनर्जी का लॉस इतना होगा। मतलब फोटोन की एनर्जी इतनी तब होगी जब इलेक्ट्रॉन पहले ही कोलिजन में अपनी पूरी एनर्जी का लॉस कर दे और वो पूरी एनर्जी पूरी तरह से फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, तब इतनी एनर्जी का फोटोन बनेगा। और बाकी सारे केसेस में फोटोन की एनर्जी जो है वो इससे कम होगी। सही है, अब देखें आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज ई सी अपॉन लैम्डा, इस तरीके से। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। इसको आप देखें, हम थोड़ा मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सही है। एक चीज आप नोटिस करें जिसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लैम्डा और एनर्जी ऑफ फोटोन में रिलेशन को नोटिस करें आप। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है लैम्डा का कम होना एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर लैम्डा कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है, वैसे लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, कम होगी। सो फाइनली ये जो इक्वेशन है उससे हमें यह पता चल रहा है कि यहां पे जो फोटोन्स निकलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे, लेकिन वो जो वेवलेंथ होगी वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगी। मतलब जो फोटोन्स निकलेंगे उनकी वेवलेंथ इससे बड़ी होगी, इससे छोटी, इससे कम वेवलेंथ का फोटोन निकल नहीं सकता। इसलिए यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, लैम्डा मिनिमम, दैट इज ऑब्वियसली एच सी अपॉन ई वी नॉट। अब ध्यान दें, इतनी वेवलेंथ का फोटोन कब निकलेगा,
जब फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वो कब होगी, वो तो हमने देखा ही था, वो तब होगी जब पहले ही कोलिजन में इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी का लॉस कर दे और वो पूरी एनर्जी फोटोन बना दे, कोई हीट ना बनाए। एनीवेज, तो यहां पे एक ऐसा ग्राफ बनाया जाता है, देखिए एक्स एक्सिस पे लैम्डा है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये जो पॉइंट है, दिस इज लैम्डा मिनिमम, जिसका फॉर्मूला ये है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्चुअली, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एनीवेज, तो ये जो ग्राफ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस लैम्डा के इतने फोटॉन्स निकलेंगे, इस लैम्डा के इतने फोटॉन्स निकलेंगे, इस लैम्डा के इतने फोटॉन्स निकलेंगे। तो ये ग्राफ ये बताता है कि किस लैम्डा के कितने फोटॉन्स निकलेंगे। सो आप देख सकते हो कि इधर लैम्डा मिनिमम के इधर इस रीजन में कोई ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कम लैम्डा का तो कोई फोटोन निकलता ही नहीं है। अब देखेंगे इक्वेशन, तो इससे कम लैम्डा का तो कोई फोटोन निकलता ही नहीं है, इसलिए यहां पे कोई ग्राफ नहीं है। इस ग्राफ को हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए जस्ट ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त किया गया है। तो एक क्वेश्चन आप मुझे बताएं, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन होता है ये जो बैटरी है VF, उस बैटरी का मैंने वैल्यू बढ़ा दिया। तो अब ये जो ग्राफ है वो कैसे चेंज होगा, वो नया ग्राफ हमें बनाना है। तो क्या लगता है आपको क्या होगा, जरा सोचें। जब आप ये बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये गर्म ज्यादा होगा, और ये गर्म ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये तो समझ ही रहे होंगे आप, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे तो ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, ज्यादा फोटॉन्स यानी मोर फोटॉन्स। सही है। अब आप ये भी सोचे कि लैम्डा मिनिमम इसका क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सोचना। लैम्डा मिनिमम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। लैम्डा मिनिमम का क्या होगा, आप देखें लैम्डा मिनिमम का जो फॉर्मूला है उसमें एच इज अ कॉन्स्टेंट, सी इज अ कॉन्स्टेंट, ई इज अ कॉन्स्टेंट, वी नॉट इज द ओनली वेरिएबल। लेकिन हम वी नॉट को तो चेंज कर नहीं रहे, वी एफ को चेंज कर रहे हैं, और वी एफ इस फॉर्म में आ ही नहीं रहा, इसका मतलब लैम्डा मिनिमम रिमेन कॉन्स्टेंट। तो लैम्डा मिनिमम कॉन्स्टेंट होगा लेकिन ज्यादा फोटोन्स निकलेंगे, ज्यादा। सो आप देखें ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समथिंग दिस। तो आप देखें लैम्डा मिनिमम वही रहा, तो ये ग्राफ ऊपर चल गया है, मतलब ज्यादा फोटोन्स इमिट हो रहे हैं। अब जरा आप देखें ये जो लैम्डा मिनिमम कॉन्स्टेंट रहा उसको हमने इस मैथमेटिकल इक्वेशन से देख लिया, वही शायद सही तरीका भी है उसको देखने का, बट आप उसको फिजिकली एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको समझ में ना आया तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखें ये जो लैम्डा मिनिमम है, इस लैम्डा का फोटोन का क्या मतलब है, लैम्डा मिनिमम का मतलब है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो लैम्डा और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है, मैंने आपको बताया। तो लैम्डा मिनिमम है मतलब फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये लैम्डा मिनिमम का फोटोन कब इमिट होता है, जब फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम है, तब। फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम इतनी होती है, और वो कब होती है वो हमने डिस्कस किया है, वो तब होती है जब पहले ही कोलिजन में इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी लॉस कर दे और वो पूरी एनर्जी का फोटोन बन जाए। यानी ओवरऑल लैम्डा मिनिमम का फोटोन तब निकलता है जब ये इलेक्ट्रॉन पहले ही कोलिजन में अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दे और वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का एक ही फोटोन बन जाए। सही है बात। आपने ये VF बढ़ाया तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच तो उतने ही काइनेटिक एनर्जी से रहे जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले पहुंच रहे थे, तो वो कोलिजन में पहले जितनी ही एनर्जी लॉस करेंगे, और वो पहले जितनी ही एनर्जी लॉस करेंगे तो फोटोन भी पहले जितनी एनर्जी का ही बनेगा, तो लैम्डा मिनिमम सेम रहेगा। आप चाहें तो फिर से एक्सप्लेनेशन सुने, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। अब दूसरा क्वेश्चन करें आप, दूसरे क्वेश्चन के लिए ये मैंने ओरिजिनल ग्राफ फिर से बना दिया, ये ओरिजिनल ग्राफ है। अब हम क्या कर रहे हैं, वी नॉट को बढ़ा रहे हैं, पहले इस बैटरी को बढ़ाया अब इसको बढ़ा रहे हैं। अब इसको बढ़ाने पे आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है वो कैसे चेंज होगा।
एक चीज तो आप समझ ही रहे होंगे, लैम्डा मिनिमम। देखो लैम्डा मिनिमम है, वी नॉट नीचे आता है, तो आपने वी नॉट को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, कम। तो लैम्डा मिनिमम तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम कम होने का मतलब क्या है, कि जो ग्राफ है वो पहले से स्टार्ट होगा यहां से कहीं। अब मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, लैम्डा मिनिमम तो इधर शिफ्ट हुआ ही है, बट अब देखिए ग्राफ ऊपर चला गया। ऊपर ऊपर जाने का मतलब है कि ज्यादा फोटोन इमिट हो रहे हैं। आप देखिए किसी भी लैम्डा पे आप देखेंगे तो पहले से ज्यादा फोटोन इमिट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्यादा फोटोन इमिट हो रहे हैं? देखिए उसका लॉजिक क्या है, कि जब आप ये बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो और ज्यादा बनेगी। ये बैटरी जितनी ज्यादा बड़ी होगी ये पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सीलरेट होगा, ज्यादा एक्सीलरेट होगा, ज्यादा एक्सीलरेट होगा, तो यहां ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, सही है। अब देखिए भी यहां काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म होता है E into V naught, V naught आपने बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज मोर। तो उससे क्या होगा, देखो पहले यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो कम काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे थे, तो वो कम काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे थे तो वो कम कोलिजन कर रहे थे। हो सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन को ऑन एन एवरेज 5 कोलिजन करने पड़े हो रेस्ट में आने के लिए, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा तो वो ज्यादा कोलिजन करेगा, ज्यादा कोलिजन करेगा, हो सकता है उसको 10 या 15 कोलिजन करने पड़े रेस्ट में आने से पहले। अब समझ रहे मेरी बात, पॉइंट सिंपल है कि पहले जब इलेक्ट्रॉन कम काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था तो वो कम कोलिजन कर रहा था, अब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था तो ज्यादा कोलिजन करेगा, और वो ज्यादा कोलिजन करेगा तो फोटोन्स भी ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा फोटोन्स निकलेंगे, तो मोर फोटोन्स। तो ऐसे कुछ, ये मोर फोटोन्स क्यों निकलेंगे कुछ लोगों को थोड़ा देर समझ में आता है, तो आप एक्सप्लेनेशन फिर से सुन सकते हैं। फाइनली एक चीज आप नोटिस करें लैम्डा मिनिमम के बारे में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि लैम्डा मिनिमम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वी नॉट पे डिपेंड करता है, सिर्फ वी नॉट पे, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो इस सर्किट में आप कुछ भी चेंज कर लो, लैम्डा मिनिमम तभी चेंज होगा जब वी नॉट चेंज किया गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।